नमस्कार, मैं हूं नीरज मिश्रा और आप देख रहे हैं आज की खबर। जयपुर के पूर्व राज परिवार की ओर से भगवान श्री राम के वंशज होने का दावा किया गया। यह दावा सुप्रीम कोर्ट में राम मंदिर के मसले पर चल रही सुनवाई के बीच किया गया। पूर्व राज परिवार के सदस्य और भाजपा सांसद दिया कुमारी ने कहा कि वो भगवान श्री राम की वंशज है। सुप्रीम कोर्ट ने पूछा था कि क्या भगवान श्री राम का कोई वंशज इस दुनिया में है या अयोध्या में है कोई ऐसा जो भगवान श्री राम का वंशज हो। पूर्व राजघराने ने इस पर दावा किया कि उनके पास पीढ़ियों से संरक्षित वो तमाम लिखित दस्तावेज मौजूद हैं जो उन्हें भगवान श्री राम का वंशज निरूपित करते हैं। दिया ने कहा कि यदि जरूरत पड़ी तो मंदिर बनवाने के पक्ष में सभी दस्तावेजों को कोर्ट में पेश किया जाएगा। जयपुर की पूर्व राज माता पद्मिनी देवी ने कहा कि 1992 में पूर्व महाराजा स्वर्गीय भवानी सिंह ने मानचित्र सहित सभी दस्तावेज कोर्ट को सौंपे थे। पोथी खाने में मौजूद 9 दस्तावेज और 2 नक्शे साबित करते हैं कि अयोध्या का जयसिंहपुरा और राम मंदिर स्थान जयपुर के महाराजा सवाई जयसिंह द्वितीय के अधीन था। 1776 के एक हुक्म में लिखा है कि जयसिंहपुरा की भूमि कठवाड़ा कुशवाहा वंश के अधिकार क्षेत्र में थी। पूर्व राज परिवार का दावा है कि राम जन्मभूमि से लेकर सिटी पैलेस के कपड़ा द्वार में सुरक्षित दस्तावेजों के आधार पर यह भी स्पष्ट है कि अयोध्या में राम जन्मभूमि भी जयपुर रियासत के अधिकार क्षेत्र में रही है। इतिहासकारों के हवाले से जयपुर राज परिवार का दावा है कि औरंगजेब की मृत्यु के बाद सवाई जयसिंह द्वितीय ने हिंदू धार्मिक इलाकों में जमीन खरीदी थी और 1717 और 1725 में अयोध्या में राम जन्म स्थान पर मंदिर बनवाया था। ज्यादा जानकारी के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए आज की खबर।